हमें अंडर रूट 5 प्लस 3i दिया हुआ है और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z बार अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं, z बार इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस 3i और मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए अगर z आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस ib, तो मॉड ऑफ z कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। तो हमारे पास ये जो आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 प्लस 9 विच इज किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन 13 अंडर रूट 9, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।